हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास एक सीआरटी टीवी है और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो मैंने इसको खोल के इसके बैक साइड ओपन कर ली है और हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही है और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं इसको यहाँ पर सीरीज में लगाता हूँ, बल्ब मेरा ग्लो करा, इंडिकेशन लाइट देख सकते हैं यहाँ पर मेरी शो कर रही है और हम यहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ग्राउंड पर लगा लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंग होती है, जो बॉडी ग्राउंड होता है जो इसका, इस पर लगा लिया है। और मीटर को हम कर लेते हैं डीसी में सेट। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इसका प्राइमरी सेक्शन होता है, यहाँ पे का प्राइमरी सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर लगा है और यहाँ से हमारे वोल्टेज आउट होंगे। तो हम देखते हैं कहाँ पे क्या फॉल्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं 110 की सप्लाई यहाँ पे बनेगी हमारी, जो कि 123 वोल्ट है, ओके है ये। और उसके बाद यहाँ पर हमारा वर्टिकल के लिए बनेगा 25 वोल्ट करीब, तो यहाँ पर बन रहा है 27 वोल्ट, ये भी ठीक है। उसके बाद 12 वोल्ट भी बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हमारा बन रहा है। और यहाँ पे हमारा साउंड के लिए 15 वोल्ट भी बन रहा है। तो वोल्टेज हमारे सारे ओके हैं। तो कहीं पे हमारा स्टैंड बाई का तो फॉल्ट नहीं है, उसको भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो मैं रिमोट से इसको ऑन करता हूँ। तो यहाँ से रिमोट से ऑन कर दिया है, हीटर पे हमारे 5 वोल्ट आते हैं, जो कि यहाँ पे है हमारा हीटर का पॉइंट, ये भी नहीं बन रहे हैं। हीटर के वोल्टेज तब बनेंगे जब यहाँ पे एसटी चालू होगी। तो हम एसटी पे देख लेते हैं कि वोल्टेज हमारे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। एसटी का यहाँ पे ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इस पे हमारे 110 सप्लाई आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर देते हैं 3 वोल्ट दिखा रहा है, 110 सप्लाई नहीं आ रही है। ये सप्लाई हमारी यहाँ से होके जाती है, देख सकते हैं। 116 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। ये सप्लाई हमारी 110 की यहाँ से होते हुए, यहाँ पे से देख सकते हैं, यहाँ से होते हुए इधर एक रेजिस्टेंस या जम्पर के थ्रू जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो हमारा 116 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जाके इस पिन से होते हुए हमारी यहाँ से इसकी बाइंडिंग यहाँ होती है और यहाँ से हमारी ये हमारी जो आईसी है यहाँ पे, सॉरी, जो हमारा इसको स्विचिंग कराने के लिए ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा स्विच करेगा। और इसके बाद यहाँ पर 180 और वोल्टेज बूस्ट और हीटर के वोल्टेज यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पे से हमारी सप्लाई नहीं जा रही है इधर को। तो हम चेक करते हैं रेजिस्टेंस के तरफ, यहाँ पे जम्पर या रेजिस्टेंस कुछ भी हमारा हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस थोड़ा यहाँ पर बर्न दिख रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जम्पर कर देंगे, आप रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको जम्पर कर दूंगा पतले वायर से, जो कि हमारा ये कभी कुछ और प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे ये हमारा जम्पर उड़ जाए। तो मैं इसको लगा लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इस किट को मैंने टीवी से निकाल लिया और यहाँ पे इसमें जैसे ही हम 110 की सप्लाई इसको कनेक्ट कर रहे थे, जैसे ही मैंने ये जम्पर लगाया यहाँ पे 110 वाले में, तो यहाँ पे इसके अंदर से चिक 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 की आवाज़ आने लग गई, जो हमारे यहाँ पे एसटी होती है उसके अंदर से। तो यहाँ पे प्रॉब्लम दो हो सकती हैं, या तो हमारा ये ख़राब हो गया है या ये ख़राब हो गया है। तो मैंने पहले इसको चेक किया, क्योंकि फर्स्ट में से रिप्लेस करना भी काफ़ी आसान होता है, और इसको सही दिखा रहा था, फिर भी मैंने इसे रिप्लेस किया। सही दिखाने के बाद भी इसको रिप्लेस किया, यहाँ पे ये देख सकते हैं, एक पुरानी किट थी उसी में से निकाल के मैंने इसको लगाया, तो ये अच्छे से ले नहीं पा रहा है।
तो इसको बदला, फिर भी मैंने लगाया, फिर भी वही प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ से मैंने ये जम्पर हटाया और फिर ये सही हो जाए, सप्लाई सही हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये सप्लाई भी ब्रेक हो सकती है, ये जम्पर हटा करके इस पे मैंने 100 वॉट का बल्ब लगाया, जो कि यहाँ पे ये लगा हुआ है। यहाँ से मैंने जॉइंट खोला और इसको लगाया तो अच्छा खासा ग्लो कर रहा था, यानी वोल्टेज भी हमारे ड्रॉप नहीं थे, प्राइमरी सेक्शन भी हमारा ओके है। इसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे करंट हमारा प्रॉपर बन रहा है, लोड ये पूरा ले रहा है, लेकिन फिर भी चिक 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 कर रहा है। तो मैंने इसकी ST यहाँ पे चेंज कर दी है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी ST है, BSC25-T1010A, ये इसकी ST है। इसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस करा और रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे ये मेरी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, और मेरे जो भी 5 वोल्ट 180 वोल्ट जो प्रेजेंट होने थे वो मेरे बन जा रहे हैं। ST भी मेरी यहाँ पे बन रही है, मैंने इसमें से काट के, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कट करके इसमें फिट कर दिया है इसका कैप। इसको मैं फिट कर लूँगा इसमें, बाकी ये मैंने सब निकाल रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इन वायरों को भी यहाँ पे कनेक्ट करना है, और अब मेरा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से चेक कर लेना, आप भी लोड भी चेक कर लेना, इसे भी चेक कर लेना। लास्ट में इसको बदलना काफ़ी टफ होता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टांके होते हैं, सोल्डर आयरन निकालना भी टफ होता है, तो मैंने इसमें हल्का हल्का लगा रखा है इसी वजह से। अब मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है तो मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा दूँगा और इसको TV में फिट कर लेता हूँ, और देखते हैं स्क्रीन हमारी आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फिटिंग मैंने कर ली है, पावर दे देता हूँ, इंडिकेशन लाइट यहाँ पे ब्लिंक नहीं कर रही है अब, और यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले हमारा आ चुका है। ये देखते हैं मेनू दबा रहे हैं तो सब वर्क अच्छे से कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी डिस्प्ले आ चुकी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छे से, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।